Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the new topic of female reproductive system pathology, that is ovarian cancer. देखिए ovarian cancer जो condition है ये फिफ्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वेमेन का और ये फिफ्थ लीडिंग कॉज माना जाता है कैंसर डेथ का वेमेन के अंदर. तो देखिए ओवेरियन कैंसर जो है ये इन्वेजिव ट्यूमर होता है जो ओवरी से ओरिजिनेट हो सकता है. मोस्ट कॉमन ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर देखने को मिल रहा होता है और इसके अलावा नॉन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स भी जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं. अब जो इन्वेजिव ट्यूमर्स हैं जो ओवरी से ओरिजिनेट होते हैं इसके अंदर ऐसे ट्यूमर्स भी आते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होते हैं या पेरिटोनियल कैविटी में स्टार्ट होते हैं. जबकि कॉमन ओवेरियन कैंसर जो एपिथेलियल के हैं वो सिरोस, एंडोमेट्रॉइड, म्यूसिनस और क्लियर सेल के कैंसर होते हैं. ये क्लासिफिकेशन है भाई कैंसर का एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में, सिरोस, एपिथेलियल, एंडोमेट्रॉइड, म्यूसिनस और क्लियर सेल. नॉन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के अंदर जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमल ट्यूमर, मिक्स्ड मेसोडर्मल ट्यूमर्स और मेटास्टैटिक डिजीज आ रही होती है. इसमें जो सरफेस एपिथेलियल सेल्स है जिसको आप सरफेस एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स कहते हैं 65-70% केसेस में पाया जाता है. मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर में 90% इसके चांसेस होते हैं. ये 20 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में स्टार्ट होता है जिसमें क्या क्या आता है, सिरोस ट्यूमर, म्यूसिनस ट्यूमर, एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर, क्लियर सेल ट्यूमर, ब्रेनर ट्यूमर और सिस्टो एडिनो फाइब्रोमा. जर्म सेल ट्यूमर 15-20% तक पाए जा रहे होते हैं. 0 से 25 एज की में कभी भी या उससे बड़ी उम्र में हो सकते हैं. इसके क्लासिफिकेशन में टीराटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर और कोरियोकार्सिनोमा आते हैं. यहाँ जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा लिखा हुआ है ये 5-10% केसेस में पाया जाता है. ये सभी एजेस में देखने को मिलता है. इसमें फाइब्रोमा, ग्रैन्यूलोसा थीका सेल ट्यूमर, सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर पाए जा रहे होते हैं. और लास्ट मेटास्टासिस जो डिजीज़ हमने बोली है 5% केसेस में पाई जाती है. ये भी वेरिएबल है, अलग अलग एज में देखी जाती है. अब देखिए रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं ओवेरियन कैंसर के. तो सबसे ज़्यादा भाई हेरिडिटरी, सबसे पहला फैक्टर हेरिडिटरी फैक्टर है यानी जेनेटिक म्यूटेशन जैसे BRCA1, BRCA2 और दूसरे कुछ फैक्टर्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे CHK2, PALB2 वगैरह. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जो सभी कैंसर में हम पढ़ते हैं. ओल्डर एज, बड़ी एज के साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ओव्यूलेशन अगर डिस्टर्ब्ड हो जाता है या फिर फर्टिलिटी की ड्रग जो लोग ले रहे होते हैं उनमें भी ऐसा देखा जाता है. अब साइन सिम्टम्स क्या हैं भाई. तो टारगेट सिम्टम्स है ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल पेन, आफरा जैसे आ जाना, लाइक फूल जाता है पेट. इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, ब्रीथ शॉर्टनेस देखी जाती है. नॉन एपिथेलियल ट्यूमर जो है उसमें ओवेरियन टॉर्शन भी हो सकता है. एब्डोमिनल पेन भी कैसा होता है, वेग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है. दूसरे माइल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स देखने को मिलती है ट्यूमर साइज बढ़ने के साथ ही, क्योंकि वो आसपास के टिश्यू पर प्रेशर डालती है. इसके अलावा यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है या देखने को मिलती है, बार बार यूरिन पास करना होता है. कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है क्योंकि ट्यूमर साइज बढ़ने से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है. और अगर ट्यूमर रप्चर हो जाए, टॉर्शन हो जाए, इन्फेक्शन, जो टॉर्शन यहाँ लिखा हुआ ना वो, या इन्फेक्शन हो जाए तो पेन हो सकता है. फेमिनाइजिंग या मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट सेकेंडरी देखने में मिल रहे होते हैं, सेलुलर टाइप से सेकेंडरी. एसाइट्स हो जाता है और प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल रहा होता है. पल्मोनरी मेटास्टासिस के साथ जुड़ी हुई कंडीशन है प्लूरल इफ्यूजन. अब ब्लड टेस्ट हम कौन कौन से कर सकते हैं ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, तो CA125-HE4 ये स्क्रीनिंग के मेथड हैं भाई, टेस्ट के मेथड है कि अपन स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें मिल रही है क्या हमारे को. अब ये स्टेजेस देखिए भाई ओवेरियन कैंसर की,
तो इन स्टेजेस को मैं आपको बताऊं, उससे पहले सिंपल बता देती हूँ कि जनरली अगर अपन देखें मोटे रूप में चार स्टेजेस इसकी होती है, 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 ट्यूमर लिमिटेड टू ओवरी, ओवरी तक ही रहता है। स्टेज 2 में ये दूसरे पैल्विक स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पैल्विक स्ट्रक्चर्स। स्टेज 3 में ये इंट्रा एब्डोमिनल स्प्रेड इसका देखने को मिलता है, मतलब पैल्विस से बियॉन्ड चला जाएगा, इंट्रा एब्डोमिनल स्प्रेड बियॉन्ड पैल्विस, पैल्विस से बियॉन्ड एब्डोमिनल रीजन में चला जाएगा। और स्टेज 4 में डिस्टेंट मेटास्टासिस देखने को मिलता है। तो ये मेन चार स्टेजेस होती है, जिनको और अपन फर्दर डिवाइड करते हैं तो स्टेज 1A जो ओवरी में रहता है कैप्स्यूल इंटैक्ट रहता है, फर्स्ट बी में ट्यूमर दोनों ओवरीज में कैप्स्यूल इंटैक्ट है, फर्स्ट सी में ट्यूमर कैप्स्यूल को रप्चर कर देता है यानी उसके बियॉन्ड अब जाएगा, सेकंड ए में यूट्रस से एक्सटेंड कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह में जा सकता है, सेकंड बी में ट्यूमर दूसरे टिश्यूज में चला जाता है पर वो पैल्विस तक ही रहता है, फिर थर्ड ए स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ पैल्विस से बाहर भी देखने को मिलती है, रेट्रोपेरिटोनियल नोड्स में देखने को मिलती है, थर्ड बी में मैक्रोस्कोपिक डिजीज़ रेट्रोपेरिटोनियल नीड्स नोड्स के साथ में देखने को मिलती है, माइक्रोस्कोपिक में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा से छोटा एरिया देखने मिलता है, जबकि थर्ड सी में माइक्रोस्कोपिक डिजीज 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है, फोर्थ ए में प्लूरल इफ्यूजन इसमें पॉजिटिव आता है क्योंकि मेटास्टासिस हो गया, और फोर्थ बी में दूसरे मेटास्टाटिक डिजीज भी इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। बस डायग्नोज में पैप टेस्ट करवाओगे तो वो नॉर्मल आएगा, पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन एक्सरे करवा सकते हो तो ट्यूमर प्रेजेंस और उसके साइज का पता चलेगा, सीबीसी में एनीमिया देखने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी से एबनॉर्मल रीनल फंक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट की एबनॉर्मलिटीज और ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ हमने देखो फोर्थ ए में प्लूरल इफ्यूजन पॉजिटिव बताया तो चेस्ट एक्सरे से प्लूरल इफ्यूजन वगैरह का पता चलेगा, डिस्टेंस मेटास्टासिस का भी पता चलेगा, बेरियम एनीमा से ऑब्स्ट्रक्शन और ट्यूमर के साइज का पता चलता है, मेमोग्राफी वगैरह तो ब्रेस्ट में कहीं फैल तो नहीं गया इसके लिए करवा रहे होते हैं, LFT भी एबनॉर्मल आता है, तो ये सब इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं। बस इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।